नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एल ई डी वॉल क्लॉक बनाना सिखाऊंगा आप देख सकते हैं इसका विड्थ इसका हाइट ठीक है काफ़ी बड़ा जाइंट वॉल क्लॉक है ये और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में ठीक है तो वीडियो आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों बड़ा सेवन सेगमेंट एलईडी क्लॉक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें सेवन सेगमेंट डिजिट बनाना पड़ेगा बड़ा वाला ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह के सेगमेंट बनाएंगे और ये सेगमेंट आपस में जोड़ के हम एक बड़ा डिजिट बना लेंगे ठीक है और इसी प्रकार से हम चार डिजिट बना लेंगे ठीक है हम क्या करेंगे ऐसे दो पार्ट लेंगे और ऐसा एक पार्ट लेंगे ठीक है और फिर हम उन पार्ट्स को जोड़कर पूरा सेवन सेगमेंट डिजिट बना लेंगे सेंटर में जो पॉइंट है उसके लिए भी हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे इसी प्रकार के सेगमेंट का यूज़ करके तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसे बनाया जाए दोस्तों हमने ये सेगमेंट्स जो है ये एक्रीलिक में बनवाए हैं एक्रीलिक आप जानते होंगे कार के नंबर प्लेट्स वगैरह जो बनते हैं आपकी बाइक वगैरह के वो एक्रीलिक से बनता है ठीक है तो उसी एक्रिलिक से हमने जो है ये सेगमेंट कटआउट करवा लिए हैं ठीक है थीके? तो अब हम क्या करेंगे जो मिडल पार्ट है इसका इंप्रेशन हम लेंगे नीचे वाले पार्ट पर ठीक है और इसके ऊपर हम पेन की मदद से जो है हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और अब जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एल स्ट्रिप चिपकाएंगे जो एल स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं ये ट्वेल्व वोल्ट की ठीक है ठीके? ये जो हमारा एल ई क्लॉक है ट्वेल्व वोल्ट पे काम करेगा ये हाई एमपियर सर्किट रहेगा ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे एल स्ट्रिप को यहाँ लगा लेंगे देखिए जो एल स्ट्रिप आती है ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये सिक्स इंचेस की होती है ठीक है सिक्स इंचेस के इसमें सेगमेंट्स होते हैं तो हम क्या करेंगे हमने भी ये हमारा जो सेगमेंट है सिक्स इंचेस का बनाया है इसमें हम इस प्रकार की दो स्ट्रिप्स लगाएंगे ठीक है दो स्ट्रिप्स से क्या होगा दोस्तों कि इसका ब्राइटनेस थोड़ा अच्छा रहेगा इसको काफ़ी दूरी से अच्छे से देख पाएंगे हम ठीक है तो इस तरह की दो स्ट्रिप्स हम यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे ठीक है आप देख सकते हैं ये जो एल स्ट्रिप होती है इसमें पीछे जो है ग्लू ए, डबल साइडेड टेप लगा होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस डबल साइडेड टेप को यहाँ से पीछे से रिमूव करके इसको यहाँ पर आसानी से हम चिपका पाएंगे ठीक है इसके पीछे ग्लू लगा हुआ होता है उससे चिपका सकते हैं तो हम क्या करेंगे जो स्ट्रिप्स इस है इसके ऊपर चिपकाएंगे दोनों ठीक है अच्छा स्ट्रिप के अंदर दोनों तरफ कांटेक्ट्स है ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव के तो हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिप्स को लगाने के बाद इनके दोनों पॉजिटिव को दोनों स्ट्रिप के पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे और दोनों के नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं एक बार ये लग जाए उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि किस तरह से ये एक सेगमेंट कंप्लीट होगा जैसे एक सेगमेंट कंप्लीट होगा उसी प्रकार से सारे सेगमेंट हमें कंप्लीट करने रहेंगे ठीक है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा तो देखिए इसको हम यहाँ पर चिपका देते हैं ठीक है हम चाहते तो फाइव एम एम की एलईडी को एक एक एलईडी को आपस में जोड़ जोड़ के बड़ा स्ट्रिप बना सकते थे ठीक है उसको भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करके बारह वोल्ट का बना सकते थे लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों है ना और इसमें क्या होगा कि एल ई डी स्ट्रिप ऑलरेडी रेडीमेड आती है इसको हमें बस यहाँ पर चिपकाना रहेगा और बस कनेक्शन करना रहेगा तो देखिए कनेक्शन किस प्रकार से करना है देखिए ये जो हमने चिपकाया था ठीक है अब ये मिडल पार्ट इसके ऊपर लगाएंगे और ये वाला जो पार्ट है हम इसके ऊपर लगा देंगे ठीक है जो एक्रिलिक का पार्ट है इसके अंदर जो है ये ट्रांसपेरेंट रहता है ट्रांसपेरेंट तो नहीं लेकिन हाँ लेकिन काफ़ी कुछ रोशनी इसके आर पार आ जाती है तो काफ़ी पूरा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दोनों स्ट्रिप्स है ठीक है ना इनके दोनों के पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट करेंगे और दोनों के नेगेटिव को देखिए इसमें पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा बताता हूँ ये जो रेसिस्टर है ये नेगेटिव है ठीक है तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया नेगेटिव मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ठीक है तो ये पॉजिटिव हो गया अगला और इसके पास आप देखिए वापस ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ये रेसिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव और ये वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव हो गया अब इस स्ट्रिप के दोनों पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे और दोनों नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे ठीक है और फिर दो वायर इसमें से निकाल लेंगे एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का ये वाला पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव जो है देखिए इससे कनेक्ट हो जाएगा हम एक वायर की मदद से ऐसा कर लेंगे सॉरी एक नहीं दो वायर यूज़ करने पड़ेंगे एक पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के लिए मैंने लिए आप रेड वायर यूज़ करें और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर ठीक है चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि ये येलो कलर का मैंने वायर लिया है पॉजिटिव के लिए और ब्लैक कलर का वायर लेंगे हम नेगेटिव के लिए ठीक है तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं जो कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा हम सोल्डरिंग वायर लगाएंगे ताकि कॉन्टैक्ट स्मूथ हो जाए और उस पर सोल्डरिंग आसानी से हो जाए अब हम क्या करेंगे जो येलो वायर लिया है देखिए ये पॉजिटिव पे एक तरफ कनेक्ट किया इसका एंड ठीक है और इसी वायर में देखिए एक और एंड हमने बनाया जो हम यहाँ पर इस पर कनेक्ट कर देंगे ठीक है हमें ये जॉइंट जो, जो है बहुत पास पास में लगाने हैं इसलिए वायर हमने काफ़ी छोटा यूज़ किया दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए और क्योंकि एक्स्ट्रा वायर भी होगा तो इस सेगमेंट के अंदर इसको रखने की स्पेस नहीं रहेगी है ना इसलिए हमने बहुत पास पास ये कॉन्टैक्ट्स रखे हैं ठीक है तो इसको हम यहाँ पर ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं दोनों नेगेटिव को दोनों नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस ब्लैक वायर की मदद से और फिर जो है हम एक येलो और एक ब्लैक वायर जो है आप देख सकते हैं बड़ा एंड जो है वायर का ये बाहर आ जाएगा ओके अब इसको देखिए कि हम टेस्ट करके आपको बताते हैं आपको कैसा ये ग्लो होगा देखिए ये पॉजिटिव में दिया और ये नेगेटिव में तो ये अच्छा सा ग्लो हो गया है ना अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि जब उस सेगमेंट के अंदर रहेगा तो कैसा दिखाई देगा देखिए इसमें जो है मैंने बताया था आपको कि इसमें तीन पार्ट में बनाएं ये तो लोअर पार्ट था जिस पर हमने एल स्ट्रिप लगाई है और इसमें मिडल पार्ट हम लगाएंगे इसकी एडजस्ट बन जाएगी देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ी सी हम स्पेस दे देंगे यहाँ पिघला देंगे ताकि जो है इसका वायर आसानी से बाहर आ जाए इस प्रकार ओके और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है एक्रिलिक की जो शीट हमने बनवाई थी वो इसके ऊपर लगा लेंगे ठीक है ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सिक्स इंचेस साइज़ का है ठीक है फेविक्विक से हम इन दोनों पार्ट को आपस में चिपका सकते हैं तो हम इसमें फेविक्विक का यूज़ करेंगे ठीक है और अभी आप देखेंगे इसको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा जब तक ये जॉइंट जो है आ, फिक्स नहीं हो जाता है परमानेंट नहीं हो जाता है ठीक है चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर एक्रिलिक शीट लगा कर दिखाता हूँ ये कैसा ग्लो होता है ठीक है तो देखिए ये एक्रीलिक शीट में इसके ऊपर यहाँ लगा देता हूँ अभी हम चिपकाएंगे भी इसको उससे पहले एक बार मैं ग्लो करके दिखा देता हूँ आपको कैसा ये ग्लो होगा ठीक है तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम इसमें कनेक्ट करेंगे ये जो येलो वाला ये पॉजिटिव सप्लाई और ये जो ब्लैक है वो नेगेटिव देखिए तो ये इस तरह से देखिए ट्यूबलाइट की तरह ग्लो कर रहा है ठीक है तो ये सिक्स इंचेज़ का एटलीस्ट ट्यूबलाइट ही हो गया ये एलईडी ट्यूबलाइट ही है ठीक है सिक्स इंच का तो ओके तो अब इस तरह से ये जो है ग्लो करेगा और इससे हमारा डिजिट बनेगा ठीक है बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों मैं ये क्लॉक बनाने के लिए काफ़ी अच्छा चैलेंज है क्योंकि इसके लिए मुझे कोड भी अलग नया बनाना पड़ रहा है और इसका पूरा हार्डवेयर भी पूरा अलग नया बन रहा है ठीक है तो आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो एंड तक तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे जो एक्रीलिक शीट जो लिए हमने ना अभी ये इसके ऊपर परमानेंटली चिपका देते हैं देखिए हर एक सेगमेंट जो आप बनाएंगे उसको दो बार टेस्ट करेंगे ठीक है और फिर ही इसको जो है फिक्स से आप चिपकाएंगे ठीक है क्योंकि अगर आपने पूरी तरह टेस्ट नहीं किया और मान लीजिए दोनों दो स्ट्रिप से अंदर कोई एक ग्लो कर रही है एक नहीं कर रही है इस तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप इसको जो है बाद में ओपन नहीं कर पाएंगे आप इसको खोल के सही नहीं कर पाएंगे ये डैमेज हो जाएगा क्योंकि हम फेविक्विक से चिपका रहे हैं ठीक है तो चलिए इसको चिपका लेने के बाद हमारा एक सेगमेंट तैयार हो गया और इसी तरह से हम पूरे सात सेगमेंट तैयार कर लेंगे और फिर हमारा जो है डिजिट तैयार होगा देखिए यहाँ पर ये सात के सात डिजिट्स मैंने तैयार कर लिए सॉरी सेगमेंट्स तैयार कर लिए अब हम क्या करेंगे इससे एक बड़ा डिजिट बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे देखिए ये जो हमने सेगमेंट्स बनाए थे ना इसके कॉर्नर सभी नाइन्टी डिग्री के थे तो जब दो नाइन्टी डिग्री के कॉर्नर बनते हैं तो वन डिग्री मतलब पूरा स्ट्रेट हो जाता है ठीक है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आ, ये जो आ, सभी एक दूसरे के ऊपर ये जो कॉर्नर्स थे एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाएंगे और पूरा जो हमारा ये डिजिट बन जाएगा देखिए ये लोअर फेस बन गया डिजिट का और इसके ऊपर जो है हम देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं चलिए इसके नीचे बना लेते हैं हम यहाँ पर एक और सेगमेंट जोड़ा हमने और एक और सेगमेंट इस तरफ भी जोड़ा ओके okay? और एक सेगमेंट नीचे जोड़ देंगे इसके तो ये कंप्लीट हमारा एट बन गया है ठीक है जो एट है इसके अंदर सेगमेंट तो सेवन ही होते तो सेवन सेगमेंट हमारा ये कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से ठीक है अब हम क्या करेंगे इनको आपस में जोड़ने के लिए भी हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली क्यूफिक्स ठीक है या फेविक्विक आप कह लीजिए ठीक है तो इस तरह के ही ग्लू या सोल्यूशन से हमें इसे चिपकाना रहेगा ओके तो इसको चिपका लेंगे हम और चिपका लेने के बाद आप देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग ये बिल्ड हो जाता है ठीक है हमने ये एक्रिलिक के टुकड़ों से ही इसको चिपकाया है अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूत हो गया है और मैं इसको सेंटर से उठा के पूरा खड़ा कर सकता हूँ ठीक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये ओके okay, तो अब ये हमारा सेवन सेगमेंट बन गया देखिए हमने इनके वायर्स जो है अलग अलग निकाल रखे हम इसको कॉमन एनोड भी बना सकते हैं कॉमन कैथोड भी बना सकते हैं कैसा भी हम इसको रूप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग ओके okay, तो हम क्या करेंगे एक बार आपको पूरा एड जो है मैं आपको ग्लो करके बता देता हूँ इसके जितने भी पॉजिटिव है जितने भी येलो है मैं सब कनेक्ट कर लेता हूँ आपस में ठीक है और जितने भी ब्लैक है सबको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको जो है पूरा डिजिट ये ग्लो करवा के बताता हूँ ठीक है मैं भी देखूँ जरा कैसा बना है ये क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ मैंने इतना बड़ा क्लॉक बनाया नहीं है ट्वेल्व वोल्ट पे ओके तो इसको मैं जो है इस तरह से जितने भी पॉजिटिव थे उन सबको एक साथ ले लेंगे और जितने भी नेगेटिव है उन सबको एक साथ ले लेंगे और इसको जो है हम पावर अप करेंगे ठीक है तो इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर जितने ब्लैक वायर हैं इन सबको इस तरफ चलिए यहाँ पे हमने सबके पॉजिटिव वाला कर लिए नेगेटिव वाला कर लिया ठीक है मतलब एक साथ जोड़ लिया अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है बारह वोल्ट की सप्लाई देंगे ये हमारा बारह वोल्ट का अडेप्टर का पिन है और इसमें सेंटर में पॉजिटिव होता है तो हम इसको यहाँ पर सेंटर में पॉजिटिव देते हैं ठीक है और जो नेगेटिव है वो बाहर की तरफ होता है तो उसको यहाँ टच करता हूँ देखिए हमारा ये पूरा एट जो है पूरा ग्लो हो रहा है ठीक है इसकी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है क्योंकि अभी जो आप कैमरा में देख रहे होंगे ना इसको कम ब्राइटनेस दिख रही होगी क्योंकि कैमरा में ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है ब्राइटनेस तो जैसे ब्राइटनेस है ना आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लेकिन असल में जो है ये काफ़ी ब्राइट है ओके तो हमारा जो है एक डिजिट ये कंप्लीट हुआ है और एक के साथ ऐसे ही हमको जो है तीन डिजिट और बनाने है तो टोटल हमें चार डिजिट बनाने रहेंगे तो यहाँ मैंने जो है ये चार डिजिट पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं आप देख सकते हैं ये दो डिजिट और ये दो डिजिट काफ़ी जाइंट ये डिजिट बना है दोस्तों तो लगभग इस जो डिजिट है इसका साइज़ मैं बता दूँ आपको एट इंच बाय एट इंच बाय फोर्टीन इंच का ये एक ये सेगमेंट बना एक डिजिट बना है ठीक है काफ़ी बड़ा साइज़ है ये ओके okay, तो अभी इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी टेबल इसने कवर कर ली है इतना एक सेगमेंट बनाने में तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि बना लेंगे और बीच में हमको कुछ एक और सेगमेंट लगा देंगे जो कि इसमें यहाँ डॉट का काम कर लेगा ओके okay? तो इतना बड़ा ये क्लॉक बन चुका है और अब मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से इसमें कनेक्शन किए जाएंगे ओके okay? क्योंकि हमने ये 12 वोल्ट का बनाया है इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग से तो कंप्लीट नहीं कर सकते हमको जो है इसके लिए अलग ही कोई सर्किट तैयार करना पड़ेगा चलिए आप देखिए कि ये जो हमारा सेवन सेगमेंट डिजिट है ठीक है ये छोटा वाला आप देख सकते हैं ठीक है इसी का बड़ा रूप हमने बना दिया है छोटा वाला तो हमारा पाँच वोल्ट पे वर्क कर लेता था लेकिन ये बड़ा वाला जो है बारह वोल्ट पे वर्क करता है देखिए हमने एलईडी क्लॉक पहले भी बनाए हैं वो सारे एल क्लॉक जो है फाइव वोल्ट पे वर्क करते थे थ्री वोल्ट की बैटरी से वर्क कर लेते थे मतलब फाइव वोल्ट पर काम कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या किया था सभी सेगमेंट को आपस में जोड़ा था और सभी डिजिट्स को अलग अलग रखा था ठीक है ना उससे क्या होता है कि ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है मल्टीप्लेक्सिंग में एक एक डिजिट एट टाइम ग्लो होता है ठीक है और फिर शिफ्ट होता जाता है वो पावर एक से दूसरे डिजिट में और ये सब इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि सारे डिजिट एक साथ चल रहे हैं ठीक है थीके? तो ये तो होता है मल्टीप्लेक्सिंग लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग लो वोल्टेज पर काम करेगा लेकिन जब हाई वोल्टेज पर काम करेंगे हम बारह वोल्ट पे तब वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा क्यों क्योंकि जब क्विक ऑन और ऑफ होते तो ऑफ़ होने से पहले ही वो वापस ऑन होने के लिए सिग्नल आ जाएगा तो हमको जो है वो पूरी तरह से ऑफ़ ही नहीं हो पाएगा और फिर ग्लो होने का सिग्नल आएगा तो हमको क्या पूरा एड चलता हुआ दिखाई देगा ओके okay? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट रजिस्टर आई शिफ्ट रजिस्टर आई के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए शिफ्ट रजिस्टर आई की मदद से हम एक सेवन सेगमेंट को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं ठीक है बहुत ही आसानी से और एक ही नहीं कई सारे सेवन सेगमेंट्स मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से तो इससे हम क्या करेंगे कि ये बड़ा सेवन सेगमेंट हम चला के देखेंगे ठीक है तो बड़ा इससे पहले हम एक बार छोटा चला के देख लेते हैं देखिए हमने क्या किया है कि सेवन सेगमेंट लगाया है ब्रेड बोर्ड में और इसकी जो पिंस है हमारे शिफ्ट रजिस्टर की वन से लेकर सेवन तक ठीक है दोस्तों अगर आपने शिफ्ट रजिस्टर पर जो मैंने वीडियो बनाया वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके तो हम क्या करेंगे इसको जो इससे कनेक्ट कर देते हैं देखिए अब केवल थ्री पिनस हमें रिक्वायर्ड चाहिए है ना आर्डनों से केवल तीन पिनस आएगी डाटा क्लॉक और लैच और उन तीन पिन की मदद से जो है ये पूरा सेवन सेगमेंट चल जाएगा ठीक है और केवल एक ही नहीं कई सारे सेवन सेगमेंट से हम केवल उन्हीं तीन पिन की मदद से चला पाएंगे ठीक है ये सब मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था ओके तो हमने यहाँ पर केवल जो है ये थ्री पिनस कनेक्ट किए और बी और ग्राउंड दिया है ठीक है और यहाँ पर मैं इसको फाइव वोल्ट का पावर दे रहा हूँ ठीक है ओके okay, पावर देने के बाद हमें इसमें कोड अपलोड करना रहेगा कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको कोड मिल जाएगा पूरा ठीक है देखिए कोड अपलोड करते देखिए यहाँ पर काउंटिंग चलने लग गई मतलब ये सेवन सेगमेंट जो है ड्राइव हो रहा है इस आईसी से ठीक है शिफ्ट रजिस्टर से ठीक है केवल तीन पिन का यूज़ करके हम ये पूरा सेवन सेगमेंट ड्राइव कर रहे हैं इस आई के थ्रू ओके okay, तो इसमें केवल एक डिजिट ही नहीं कई डिजिट कंट्रोल कर सकते हैं कैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में आगे ठीक है तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं और आगे जो है इसको इंप्लीमेंट uh, कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं कैसे इस uh, छोटी से आई सी आईसी से हम ये बड़ा सेवन सेगमेंट चलाएंगे ठीक है ये हम आगे सीखेंगे अभी सबसे पहले सीखते हैं कि इससे एक से ज्यादा डिजिट्स कैसे चलाएं और उसके बाद हम सीखेंगे बारह वोल्ट के डिजिट को कैसे चलाएं इस आई से चलिए दोस्तों आपको मैं अपनी वेबसाइट पर ले चलता हूँ ठीक है ये मेरा ब्लॉग है और इस ब्लॉग पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है इस ह्यूज एलईडी क्लॉक का ठीक है तो इसके लिए ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का है ये आप ज़रूर देख लीजिए नहीं देखा हो तो फिर से देख लेना और अगर देख भी लिया तो एक और बार देख लीजिए कुछ और नया ही मिलेगा सीखने को ओके okay, तो ये जो है हम यहाँ पर आईसी यह का इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया था पिछले वीडियो में ठीक है अब इस आईसी के थ्रू आप देख सकते हैं सेवन सेगमेंट भी चला के देख लिया था हमने पिछले ही वीडियो में ओके अभी हम मैं आपको बताऊंगा कैसे एक से ज़्यादा डिजिट जो है कनेक्ट कर सकते हैं हम इस आई से देखिए बड़ा ही सिंपल है हम क्या करेंगे जो हमारा आर्डोनो है ठीक है इससे थ्री पिन आ रही है डेटा लैच और क्लॉक ओके हम क्या करेंगे जो आई सी आई सी की पिन नंबर चौदह यहाँ देखिए यहाँ बताता हूँ मैं फिर से आपको देखिए ये जो हमारी आईसी है ठीक है ये हमारा आडुनो यहाँ आडुनो की जो ये पिन्स है थ्री पिन्स हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ओके तो थर्टीन पे डेटा फिर लैच और फिर क्लॉक ओके तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है ये डेटा जा रहा है इस आई सी की पिन नंबर फ़ोटीन पे ठीक है तो ये पहला सर्किट कंप्लीट हुआ पहला डिजिट यहाँ से ऑपरेड होगा और देखिए यहाँ से आउटपुट आएगा पिन नंबर नाइन से और ये जाएगा अगली आई सी की पिन नंबर फोर्टी में ठीक है ये इसके लिए डेटा इनपुट है फिर इसका डेटा आउटपुट आएगा और ये अगली आई सी की डेटा इनपुट में और इस तरह से ये एक से एक आगे से आगे चलता ही जाएगा जितने चाहे हम डेटा इसमें चला सकते हैं ठीक है और आप देख सकते हैं ये लैच जो है ये हर एक आई सी में जा रहा है ओके और उसके बाद जो क्लॉक है वो भी हर एक आईसी में जा रहा है यहाँ से ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो है डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था लेकिन फिर भी एक बार फिर से समझा देता हूँ देखिए क्या होगा कि ये डेटा जो है ठीक है देखिए ये जो लैच है हर आठ बिट के बाद ये लैच शिफ्ट होगा ठीक है और ये जो क्लॉक है ये हर एक बिट के बाद शिफ्ट होगा मतलब हर एक बिट जैसे डेटा एंट्री हुई ये क्लॉक पल्स जाएगी ओके तो ये आठ बार जब क्लॉक पल्स जाएगी उसके बाद एक बार लैच शिफ्ट होगा जैसे लैच जो है शिफ्ट हुआ तो वो डिजिट डिस्प्ले होंगे ठीक है तो इस तरह से आठ आठ की बाइनरी की बात ये डिजिट जो है डिस्प्ले होंगे ठीक है बहुत ही आ, अच्छा सर्किट है और मतलब बहुत ही प्यारा सर्किट है उसकी ब्यूटी कहाँ पर है मैं बताता हूँ चाहे जितने डिजिट्स आगे तक करेक्ट कर लीजिए इसमें आप तो देखिए हमने यहाँ पर जो है ये चार डिजिट्स जोड़ दिए ठीक है और हमने सिंगल डिजिट वाला कोड इसमें डाला है ठीक है तो आठ आठ की बाइनरी आ रही है और जब भी आठ की नई बाइनरी आती है तो ये पहला डिजिट जो राइट मोस्ट डिजिट है वो तो चेंज होता है लेकिन उसके पहले जो डेटा था वो आगे वाले डिजिट में चला जाता है तो देखिए आपको जो है ये राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे होंगे डिजिट ठीक है तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि ये राइट टू लेफ़्ट जो है डिजिट्स मूव होंगे तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ कोड के अंदर जो ये फंक्शन है ठीक है इस फंक्शन को हम एक बार कॉल करते हैं तो एक डिजिट के लिए ये अप्लाई होता है ठीक है ना तो हम इसको क्या करेंगे कि जो है आ, इसको चार डिजिट के लिए अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे चार डिजिट डिस्प्ले हो जाएंगे ठीक है चलिए पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो ये फोर लूप लगा हुआ था जो बार बार नंबर चेंज हो रहा है फोर लूप की वजह से तो मैं इसको हटा के जो फंक्शन कॉल हो रहा है वैल्यू को उसके लिए मैं यहाँ पर केवल एक डिजिट डाल देता हूँ सेवन डाल देता हूँ चलिए एक वैल्यू डाल दी सेवन और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ठीक है तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे आप देखेंगे यहाँ डिस्प्ले के अंदर जो है ये डिजिट जो है चेंज होने वाला है देखिए कोड अभी अपलोड हुआ नहीं है होने वाला है ठीक है तो जैसे ये अपलोड होता है आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है ठीक है वो हो गई है क्या सेवन देखिए ठीक है और ये सेवन राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ठीक है अभी तक फोर लूप था इसलिए वो सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही थी इसलिए चेंज होता जा रहा था सभी में लेकिन अभी मैंने केवल एक लेटर कॉल किया तो केवल वही वैल्यू गई और वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होती गई अभी देखिए मैं वापस वैल्यू चेंज करता हूँ फ़ाइव करता हूँ ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे फाइव को कॉल करूँगा आप देखेंगे कि ये जैसे कोड अपलोड होगा आप देखेंगे यहाँ पे कि सारी वैल्यूज जो है फाइव हो गई ठीक है तो अगर मैं केवल सिंगल किसी एक डिजिट को कॉल करता हूँ तो उसकी वैल्यू जो है फिर वो चार चार में आगे तक चलती जाती है ठीक है तो अभी मैं क्या करूँगा क्या करूँगा सुनिए मैं यहाँ पे कोई भी चार डिजिट को कॉल करूँगा है ना एक के बाद एक मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे देखिए जो लाइन थी जिसमें हम फंक्शन कॉल कर रहे थे इसको मैं यहाँ पर चार कोई भी चार बार अलग अलग डिजिट्स को कॉल करवा देता हूँ और फिर आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे चार डिजिट जो है यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए दिखाएंगे वो भी डिफरेंट डिजिट्स है ना देखिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और कॉपी पेस्ट करके हर एक में जो है अलग अलग डिजिट डाल देता हूँ ये वाली लाइन जो है कॉपी की इसको यहाँ पे पेस्ट देखिए ये जो पूरा कोड है आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे जो कोड रहेगा आप उसको सीधा कॉपी करेंगे और अपने आर्डोनो आई में नई फाइल खोलेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है और इसको आप जो है वो कंपाइल कर लीजिएगा ठीक है अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने चार बार कॉल कर दिया और हर बार नए नंबर के लिए ठीक है यहाँ पे जो नंबर वैल्यू था आर्ग्यूमेंट था वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे चारों में अलग अलग नंबर हमने डाल दिए और अब जब मैं कॉल करूँगा है ना तो अब ये शिफ्ट होता हुआ अभी नहीं दिखाई देगा चारों डिजिट कॉन्स्टेंट दिखाई देंगे देखिए जरा ये अपलोड हो रहा है चलिए दोस्तों तो अभी हमने चार वैल्यूज़ तो डिस्प्ले कर दी देखिए इस तरह की पी सी भी हम यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है ना छोटे डिजिट्स के लिए छोटे डिजिट्स तो डायरेक्ट जो है इस आईसी पे कनेक्ट हो जाएंगे रेजिस्टर के थ्रू लेकिन अगर बड़े डिजिट को हमें ड्राइव करना है ठीक है तो वो डायरेक्टली इस तरह से ड्राइव नहीं होंगे है ना उसके लिए हम क्या करना होगा देखिए अगर हम ये बारह वोल्ट का सेवन सेगमेंट लेते जैसा कि मैंने बनाया एल ई स्ट्रिप से बारह वोल्ट का सेवन सेगमेंट ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें ये जो आईसी है ना इस आईसी के ऊपर लगाने रहेंगे हमें आ, ट्रांसिस्टर्स ओके देखिए ये हमारी आईसी है आईसी में देखिए पिन नंबर सिक्सटीन जो वीसीसी हो गई है ना और पिन नंबर फोरटीन जो डाटा इनपुट की पिन है उसके बाद जो है आउटपुट इनेबल है उसे लो रखना होगा फिर लैच की पिन है तो सबसे पहले अपन डाटा पिन के देखते हैं पिन नंबर वन जो है दोस्तों है ना पिन नंबर वन जो ये जा रही है देखिए ये इसको मैं जूम कर देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ देखिए हर एक सेगमेंट ठीक है हर एक सेगमेंट जो कनेक्ट होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा वो एक ट्रांसिस्टर के थ्रू होगा या एनपीएन पी ट्रांसिस्टर है जैसे ही पॉजिटिव पल्स आएगी ये ऑन होगा और जो ग्राउंड दिया है इसके एमिटर पे वो जाएगा कलेक्टर पे यहाँ पर और ये जो ए ये ए सेगमेंट से जुड़ जाएगा यहाँ पे ठीक है और ये ए सेगमेंट ये रहा तो ये ग्लो कर जाएगा ठीक है चलिए उसी तरह से क्या होगा जब बी के ऊपर हाई आएगा तो ये ट्रांसिस्टर ऑन होगा और यहाँ से ग्राउंड जाएगी इसके कलेक्टर पर मतलब ये बी और ये चला जाएगा बी सेगमेंट पे बी मतलब ये रहा ठीक है तो इसी तरह से ये ए बी सी डी एफ जी सात के सात डिजिट जो है इस आईसी के थ्रू कंट्रोल होंगे ठीक है देखिए ये जो है यूज़ किया है हमने ये क्या है ये कॉमन एनोड है कॉमन एनोड है मतलब इसका पॉजिटिव जो है बारह वोल्ट और सबका कॉमन है और इसको नेगेटिव दिया जाएगा इस ए बी सी डी के ऊपर ठीक है तो ये एन पी एन ट्रांसिस्टर है ये क्या करेगा ये नेगेटिव सप्लाई करेगा हर एक सेगमेंट को ठीक है ना ये कॉमन कैथोड नहीं है ये कॉमन एनोड है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ओके okay. तो आई होप आपको समझ में आ गया काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश काफ़ी ईजिली पॉजिटिव वोल्टेज बारह वोल्ट के डायरेक्टली जाएंगे सेगमेंट को ठीक है दोस्तों बताए गए सर्किट के अनुसार सेम कोड को मैं जो है बारह वोल्ट के सेगमेंट पे चला रहा हूँ आप देख सकते हैं सेगमेंट बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ठीक है आई होप आपको पसंद आया होगा चलिए आगे ठीक है दोस्तों जिस तरह से हमने छोटे सेवन सेगमेंट को चार डिजिट में टर्न किया था वैसे इस बड़े सेवन सेगमेंट को भी हमने चार डिजिट में कन्वर्ट कर दिया ठीक है सेम शिफ्ट रजिस्टर लगा कर यहाँ पर हमने आडोनो लगाया जिसके अंदर सेम कोड अपलोड है और अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है ये ऑन होने के बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले करने लग गया ठीक है मैंने इसके अंदर काउंटिंग लगाई है और ये देखिए सिक्सटी के बाद जो है ये चेंज हो गया थोड़ा फास्ट स्पीड में ताकि आपको दिखा सकूँ क्योंकि अगर मैं स्लो दिखाता तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग होगी ओके फ्रेंड्स तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो इसमें एक आर लगाएंगे डी एस थ्री टू थ्री वन जी हाँ डी एस थ्री टू थ्री वन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कैसे इसको आउडियर के साथ यूज़ करते हैं देखिए इसका एस जो है ए फाइव से कनेक्ट करना है एस जो है ए फोर से कनेक्ट करना है बी सी सी फाइव वर्ल्ड से और ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है इसकी मदद से हमें क्या होगा कि एक तो टाइम हमेशा एक्यूरेट आएगा ठीक है आर की मदद से टाइम हमेशा एक्यूरेट आता है उसके अलावा टाइम के साथ साथ हम डेट डे दे, मंथ सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और टेम्परेचर भी इवन टेम्परेचर भी तो आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के क्लॉक बना के बताऊंगा जिसमें सारा डेटा एक साथ डिस्प्ले होगा लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर ठीक है ये जो कोड हमने बनाया है कोड आपको जो है मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा ठीक है सो जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए नई फाइल में अपने आर्डून आई में और इसको अपलोड कर सकते हैं आप ठीक है जो टेस्ट कोड यहाँ दिया गया है वो चार डिजिट क्लॉक के लिए और किसका बड़ा क्लॉक कैसे बनाना है बारह वोल्ट का मैंने आपको बता दिया ठीक है तो देखिए हमने जो ये चार डिजिट्स बनाए थे बारह वोल्ट के हमने इसको जो है शिफ्ट रजिस्टर के साथ और ट्रांसिस्टर लगा दिए हैं और ये कंप्लीट जो है वॉल हैंगिंग के लायक बना दिया है कैसिंग के ऊपर इनको फिक्स कर दिया है ठीक है तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आप वॉल पर हैंग कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसको जो है पावर देकर चलाकर बताऊंगा आपको लेकिन उससे पहले दूं देखिए यहां पर हमने जो है आरटीसी लगाया है आरटीसी की वजह से टाइम हमेशा इसको करेक्ट मिलेगा ठीक है और आर्डोनो के थ्रू हमने वायरिंग की है और कोडिंग भी की है आप समझ ही सकते हैं मैंने सब कुछ समझा ही दिया है आपको ठीक है तो अभी हम यहाँ पर इसको पावर देंगे पावर देते ही आप देखेंगे यहाँ पर टाइम जो हो रहा है वो सत्रह बज के अठारह मिनट हो रहा है ठीक है तो सत्रह का मतलब होता है फाइव ठीक है ये ट्वेंटी फोर आवर में बता रहा है उसके सत्रह बजा रहा है अगर हम इसमें कोडिंग में माइनस ट्वेल्व कर दें जो भी टाइम है उसमें माइनस ट्वेल्व कर दें तो पाँच बजा देगा मतलब ट्वेल्व आवर की कोडिंग हो जाएगी तो अभी देखिए देखते देखते एक मिनट और आगे बढ़ गया ये सत्रह बजकर उन्नीस मिनट हो गया ठीक है तो आप देख सकते हैं कितना ब्राइट और कितना जॉइंट क्लॉक हमने बना दिया है तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा ठीक है पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस पर डेट डे दे, मंथ ईयर सब कुछ डिस्प्ले कैसे करें टाइम और टेम्परेचर के साथ तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ठीक है तो प्लीज़ डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे लव यू ऑल